हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। ये देखिए, मैंने बाजरा लिया है। अब इस बाजरे को मैं इस हमाम दस्ते में डालूँगी और कुछ पानी की मदद से इसे 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। भीगने से यह थोड़ा सा फूल जाएगा, जिससे इसका छिलका आसानी से हम उतार सकते हैं। इसको इस तरह से मिक्स करके भिगो दूँगी और फिर कूट कूट कर इसके छिलकों को मैं अलग कर लूँगी। अब इसे भीगने देते हैं। यह भीग गई है। इस तरह से अब मैं इसे कूट कूट कर इसके छिलके को अलग कर लूँगी। छिलका अलग होने के बाद फिर मैं इसे छाछ की मदद से इसे साफ़ करूँगी। ये देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट में इसका सारा छिलका अलग कर लिया है। अब मैं एक छाछ लूँगी और छाछ में इसमें इसे डालूँगी और इसको पिछोड़ दूंगी। पिछोड़ने से ये सारा छिलका अलग हो जाएगा और बाजरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे पिछोड़ लूंगी और सारा बाजरा साफ हो जाएगा। ऐसे ये देखिए, मैंने सारा बाजरा साफ कर लिया है। अब मैं वापस से इसे हमाम दस्ते में डालकर थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूंगी। मैं पानी लूँगी और इसे पानी के साथ मिक्स करके भिगो दूँगी। इस तरह से 5 से 6 मिनट भीगने के बाद यह फूल जाता है और फिर ये कुटने में आसानी से आता है। ये देखिए, भीगने के बाद इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फिर से बारीक कूट लिया है। इस तरह से अब यह पकने के लिए तैयार है। बाजरे की खिचड़ी में हमें चने की दाल और चावल की भी ज़रूरत होती है। इन दोनों को मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था। अब मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी। मैंने एक ये बर्तन लिया है, इस पर मिट्टी लगा दी है ताकि यह काला ना पड़े, और चूल्हे पर चढ़ा दिया है। बाजरे की खिचड़ी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए खिचड़ी के हिसाब से ही मैं इस बर्तन में पानी डाल दूंगी और इसे गर्म होने दूंगी। पानी अब गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें सबसे पहले चने की दाल को डालूंगी, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सख्त होती है, उसे पकने में समय लगता है। तो पहले हम दाल को इसमें डालेंगे इस तरह से, और पानी को और गर्म होने देंगे। इसके साथ साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे ताकि दाल भी अच्छे से पक सके, और ऐसे मिक्स कर देंगे। अब पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, पानी गर्म हो गया है। अब धीरे धीरे से हम इसमें खिचड़ी को डालेंगे और बिल्कुल चलाते हुए, ऐसे मिक्स करते हुए इसको सारी को इसमें डाल देंगे। खिचड़ी में गांठें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे जल्दी जल्दी से ऐसे चलाते रहेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी ऐसे ही मिलाते रहेंगे। ये देखिए, इसमें कोई गांठ नहीं पड़ी है, तो हमारी खिचड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। बाजरे की खिचड़ी में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं चूल्हे पर बनने में। ये देखिए, इसमें उबाल आ रहे हैं। अब यह कुछ हद तक पक चुकी है इस स्टेज पर। अब हम बाजरे की खिचड़ी में इस स्टेज पर चावल डाल देंगे, क्योंकि चावल को भी पकने में समय लगेगा। चावल के डालने से खिचड़ी का टेक्सचर और भी अच्छा हो जाता है, ये गाढ़ी गाढ़ी बनती है। अब चावल डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद इसे 20 से 25 मिनट और लगेंगे पकने में, और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह बर्तन पर नीचे की तरफ लगने ना पाए। इस तरह से अब इसमें ऐसे ही उबाल आते रहेंगे और ये पकती रहेगी धीरे धीरे। ये देखिए, इसमें बहुत तेज़ी से उबाल आ रहे हैं। इस स्टेज के बाद इसे 5 से 6 मिनट और लगेंगे पकने में। ये देखिए,
कितने अच्छे से उबाल आ रहे हैं इसमें। ये देखिए हमारी खिचड़ी लगभग, अब हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं। इसे मैं अपनी किचन में ले आई हूँ, अब इसे मैं सर्व करूँगी। देखते हैं कि ये कैसी बनी है। खिचड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें ढेर सारा घी डालकर इसका आनंद लूँगी कि यह कैसी बनी है। आप भी इस तरह से खिचड़ी बनाइए और देखिए कि कैसी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए बेल को प्रेस कीजिए। और मेरे खिचड़ी कैसी बनी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।